હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન સ્વાગત છે જે એકમ કસોટી છે જે તારીખ ચૌદ નવ બે હજાર ના રોજ લેવાની છે બરાબર તો એનું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ તો ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયો લાઈક કરી અને હા તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરી દેજો ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોની કમેન્ટ આવતી હતી સર પ્રથમ પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ આવી ગયું છે બરાબર તો એનું પ્રથમ પરીક્ષાનું પેપર સેટ જે તમે આઈએમપી આપો છો દર વખતે તૈયારી કરવા માટે બરાબર તો આ પેપર સેટ છે એ કેવો છે તો ભાઈ સોલ્યુશન સાથે છે સર અમારે જોતો હોય ક્યાંથી મળશે કે જેથી કરીને સારામાં સારી ટકાવારી પ્રાપ્ત કરી શકાય તૈયારી કરી શકાય તો ભાઈ તમને સાથે જણાવી દઉં આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન છે એમાં તમામ પ્રકારની માહિતી મળશે જેમાં દરેક વિષયના પાઠ્યપુસ્તકના સમજૂતીના જેમ કે ગણિત છે જય સર વિજ્ઞાન ફેનિલ સર એસ એસ બરાબર ગુજરાતી ધારા મેડમ ઇંગ્લિશ નીલમ મેડમ બધાના સ્વાધ્ય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડીયો પીડીએફ મટીરિયલ અસાઈમેન્ટ બરાબર પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પ્રથમ પરીક્ષાના પેપર સેટ ગેમ ડાઉનલોડ કરોડ સેન્ડ ઓટીપી કરો ચાર આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો ત્રણ થી બારમા ત્રણ થી બાર ધોરણના તો અહીંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો પેડ કોર્સમાં જઈને પેપર સેટ મેળવી લેજો ત્રણ થી બારમા ત્રણ થી બાર ધોરણના વિડીયો છે તમારું ધોરણ પસંદ કરી વિષય પ્રમાણે પાઠવા વિડીયો જોઈ શકશો અથવા તો શાળા મિત્રમાં ધોરણમાં તમારું ધોરણ પસંદ કરી વિષય પ્રમાણે ડિજિટલના નિહાળી શકશો ટૂંકમાં જશે વહેલી તકે મેળવી લેજો ને તૈયારી શરૂ કરી દેજો નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે સહી વિકલ્પ ચુન કરે ઈશ્વર ચાહે તો ક્યાં ટાલ સકતા હે તો આફત કો કવિ ઈશ્વર કો હમ પર ક્યાં રખને કે વિનંતી કરતે હૈ तो नजर कभी किसे बड़ा मेहरबा कहते हैं ईश्वर को हम दुनिया में खुदा की मर्जी से आए हैं सुनीता और कल्पना चावला दोनों को किससे बेहद लगाओ भारतीय संगीत से करनाल शहर किस प्रांत में है हरियाणा में कभी मुरझे सुमनों में क्या भरना चाहते हैं मुस्कान जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए डॉक्टर कलाम क्या करने को कहते हैं जी तोड़ मेहनत करने को पहली तपस्विनी का नाम क्या था सुव्रता भरत पाठ का साहित्य प्रकार क्या है एकांकी निम्नलिखित स्थानों की प्राप्ति कीजिए तू है बड़ा मेहर बात तू बख्शिश कर कवि इसकर को बख्शिश करने के लिए कहते हैं सुनीता की माता का नाम उर्स बाइन था स्पेस सटल अटलांटिस में सुनीता विलियम समेत सात अंतरिक्ष यात्री थे सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है धरती माँ की काया आई नजर नई और सुनरी हो रही है आज नई और सुनरी सफलता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हम निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहे क्या कारण है कि मेरा इस बालक की ओर उमड़ा सा स्नेह तो इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है सहसा एक हंस ऊपर से गिरा खलजिग होकर खर सर से तो आनो आ जवाब विद्यार्थी मित्रों मैं कमेंट खबर पड़े के, वीडियो के सुधी छो करवाबर कारण विद्यार्थी मित्रों खाली स्कीप करे सी सावक को घसीटते हुए लाता है चलो सही वाक्य चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं तो करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और लोग किस हालत में है उसकी वे हमेशा खबर लेते रहे दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि क्योंकि वह अच्छा और सस्ता था नहीं हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर दिया था क्या गांव में बड़ी चहल पहल हलचल थी क्योंकि लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास केवल तीन पैसे थे अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि उसने हामिद में त्याग सद्भाव और विवेक जैसे गुण दिखे थे सुनीता शिक्षक की चाहती थी क्योंकि वह पढ़ाई के साथ साहस भरे खेलों में भी भाग लेती थी इसलिए। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की रुचियां अलग थी लेकिन भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स कैसे बनी तो उसका सहध्याय माइकल विलियम्स से शादी

जवाब मैं वीडियो जो पड़े बराबर ने रमजान के किस दिन ईद मनाई जाती है हामिद हिंडोले पर क्यों नहीं चढ़ा जवाब पोस्ट कर तो जान वीडियो ने करते जाओ दुकानों में कौन कौन से कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे हामिद के पिताजी की मृत्यु कैसे हुई भारतीय नारी नारियों नारियो को सुनीता से क्या सीख मिलती है दो तीन वाक्य में हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा हामिद के अनुसार ज्यादा मिठाईया खाना उचित क्यों नहीं है कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई पात्र का परिचय दीजिए सान्या मिर्जा डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों मजदूरों और कलाकारों का राष्ट्र में क्या महत्व है निम्नलिखित प्रश्न प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए खिलौना और मिठाई खरीदने वाले साथियों के बारे में हामिद के मन में क्या विचार आए अब आप हामिद के चिमटे की तरह रुमाल के विविध प्रयोग करके बताइए सुनीता विलियम्स के लिए हमें किस बात का गर्व है अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो अपने आसपास क्या देख रहे हो अपने विचार प्रस्तुत कीजिए यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं हो, में होते तो डॉक्टर कलाम से आप कौन कौन से प्रश्न पूछते प्रश्न तरह एक एक वाक्य में ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है डालों पर बैठे पंछी क्या कर रहे हैं लोगों में नई उमंगे और तिरंगे क्यों है कवि ने धरती के सपूतों का किस लिए आह्वान किया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है क्यों कवि भगवान सा क्या कहना चाहता है तेरी है जमी काव्य के कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? तो अपनी नजर हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं कवि माहेश्वरी जी धरा से अमर सपूतों से क्या चाहते है धरते माँ की काया आज सुनर क्यों हो रही है देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे कवि नई मुस्कान कहा देखना चाहते हैं काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए तेरी है जमी तू अपनी नजर हम पर रखना तेरे आगे झुका काव्य पाकू खादी की दे दो मैं गांधी बन जाऊ उठो धरा के अमर सपूतो चलो मुहावरे का अर्थ देख वाक्य में प्रयोग कीजिए बाल बांका न होना बेड़ा पार लगाना छाती पीट लेना खतरों से खेलना सामना होना शब्द कोष क्रम में लिखिए बराबर शब्द कोष क्रम में लिखिए कक्कावारी प्रमाण है निम्नलिखित शब्दों के पर्याय वाची शब्द आपद अंधकार प्रशिक्षण पृथ्वी संकल्प आह्वान खाका परिवार पैड कुल विलोम विरोधी शब्द दयालु शीतल प्रसिद्ध जीवित खिलना नया परिवर्तित जीवन हसना वृद्ध लिंग बदल कर वाक्य फिर से लिखे देव रूपवान करता अभिनेता विद्वान नायक गुरु बंदर लेखक हिरण वचन बदल कर लिखे इससे लड्डू दे दो यह मेरी किताब है बाग में एक लड़का है ने उड़ान भरी पक्षियों ने उसने मुझे मिठाई दी चलो निम्नलिखित प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखिए चचेरा एरा भाग्यवान बलवती एक हरा लड़ाई टोकरी रसोईया खटिया भूखा पढ़ाई विषय पर चार पांच लिखे लिखिए गांधी सानिया मिर्जा किरण बेदी कल्पना चावला चलो कहानी लिखिए रूपरेखा पे आधार पर सच्ची मां अथवा न्यायाधीश का फैसला वीडियो पोस्ट कर लिखी सकस रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए नेवले पर घड़ा पटकना एक ब्राह्मण स्त्री बराबर

તો અહીં સુધી રાખીએ અને બધાને પચીસમાંથી પચીસ ગુણ પ્રાપ્ત થાય એવી શુભકામના બેસ્ટ ઓફ લક અને તમારે કેટલા ગુણ આવશે ચોક્કસથી કમેન્ટ કરજો અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત